है मुख्यमंत्री जी नमस्कार के इस कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे जिला सोलन की, जहां पर जिला मुख्यालय के सपरून में वेंडर मार्केट के नाम पर 56 दुकानें खोली गई हैं, लेकिन वेंडर विक्रेताओं का कहना है कि ये दुकानें बहुत छोटी हैं और दोनों ओर से बंद होने की वजह से लोगों को पता भी नहीं होता कि यहाँ कोई मार्केट भी है। ऐसे में यहाँ पर व्यापार करना बहुत मुश्किल हो रहा है। डीडी न्यूज संवाददाता लक्ष्मी दत्त से बातचीत के दौरान यहाँ के विक्रेताओं ने इस समस्या को लेकर मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है। रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री जी नमस्कार, कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको ले चलते हैं सोलन के सपरून स्थित वेंडर मार्केट में, जहां ये कावत सिद्ध हो रही कि आकाश से गिरा और खजूर पर अटका। यही हाल है यहां के वेंडरों का, के जिनके लिए ये मार्केट बनाई गई है उन्हें मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा गया है। लगभग 50 दुकानें यहाँ पे नगर निगम सोलन द्वारा बनाई गई है, लेकिन ये वहाँ पे हवा पानी की तक व्यवस्था नहीं है। एक तंग गली से गुजरना पड़ता है और वहाँ पे नेशनल हाईवे की वजह से आवाजाही बहुत कम हो गई है। और इन लोगों का कहना है कि जब वो सड़कों के किनारे पे अपना कारोबार करते थे तो वहाँ पे उनकी ज्यादा सेल होती थी, ज्यादा लोग आते थे, ज्यादा इनकम होती थी, लेकिन अब वहाँ पे ना कोई लोग आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी नमस्कार, मैं वेंडर मार्केट से राजकुमार बोल रहा हूँ। यहाँ पे हमें कोई सुविधा नहीं दी गई है, जैसे कि पानी है, सफाई की व्यवस्था, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। और जो बाहर की दुकानें हैं उनके शटर खुलवाने का वादा किया था इन्होंने, एकदम खुलवाए नहीं है। पैसे भी हम लोग लगा देंगे, चलो अगर बाहर की दुकानें खुल जाती हैं तो अंदर की मार्केट भी नजर आएगी। मुख्यमंत्री जी नमस्कार, हमारे को वेंडर मार्केट में दुकानें मिली हैं, लेकिन सुविधा कोई भी जो है सरकार की तरफ से नहीं मिल पाई है। छोटी छोटी दुकानें बनी हैं, उसमें कोई अंदर सफोकेशन हो रही है, धुआं सब अंदर बढ़ रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं, कोई भी कस्टमर इधर को नहीं आ रहा है, गंदगी बहुत फैली हुई है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। गरीब आदमी बहुत बुरी तरीके से मर रहा है, गरीबी से बहुत परेशान है, और सरकार से विनती है कि इसके बारे में थोड़ा सा विचार किया जाए। मुख्यमंत्री जी सुक्कू जी, हाथ जोड़ के नमस्कार आपको। क्या होना चाहिए, इतने से दुकान में क्या करेंगे हम लोग, क्या कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कहाँ जाएगा गरीब लोग, घर से बेघर कर दिया। ना यहाँ चार बंदे आते हैं, ना कुछ करते हैं, सारा जमा बनाते हैं, रोज को बाहर जाते हैं, कोई डूंगर को दे देते हैं, कोई देता ही नहीं है। रोज को बनाओ और खाको, रोज को बनाओ, क्या क्या करेंगे हम लोग, कैसे करेंगे, कैसे जियेंगे, इसका किराया दिया कि घर का किराया दिए। मुख्यमंत्री जी नमस्कार, और चलो हमें ये यहाँ पे शॉप मिली है वेंडर मार्केट सोल सपरून बाईपास में, तो यहाँ तो ये काम चलता है नहीं, और अंधेरा बिल्कुल है इसमें, और ना कोई ग्राहक आता है। हमें चाय भी अपने लिए बनानी पड़ती है, एक दो कप जो हम पीते हैं, बाकी बाहर से कोई ग्राहक नहीं है हमारे पास, और हमारी जो है स्थिति खराब है। इसलिए जनाब से आग्रह है कि इसका थोड़ा ढांचा बदला जाए और इसकी शक्ल थोड़ी दुकान की बाहर को दी जाए रोड साइड के लिए, तो ये हमारा आपसे गुजारिश है। और इसलिए ये बंद दुकानें हैं, इसमें कोई लेडीज नहीं, कोई जेंट्स कोई आने को तैयार नहीं अंदर। मुख्यमंत्री जी आपको नमस्कार है, मैं सुनीता वर्मा। जो ये बनाया गया है दुकान है हमारी, यहाँ हम बहुत परेशान हैं, यहाँ पे कोई ग्राहक नहीं आते। एक तो पीछे से सारा बंद है, चारों तरफ से बंद है ये दुकानें, यहाँ अंदर कोई नहीं आता, और जितना भी हम खाना बनाते हैं रोज हमारे को फेंकना पड़ता है। और कृपा करके हाथ जोड़ के निमंत्रण है कि आप हमारे लिए सोचे कुछ।